तरीके से राम आपने कहा कि क्या अयोध्या से इस बार सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, पहले चार चरणों की जब राम हमने बात की थी तब तमाम मुद्दे थे, लेकिन इस बार मुद्दों से अलग हटकर धर्म भी है और धर्म की राजनीति होती हुई भी नजर आ रही है। इस बीच हम आपको ये बताते हैं कि किस तरीके से अयोध्या धाम राजनीतिक ब्रांड बन चुका है। दरअसल यूपी चुनाव 2022 के केंद्र में रामनगरी अयोध्या रही। 2022 का पूरा फोकस अयोध्या ही रहा, चुनावी यात्रा हो या चुनावी समीकरण हो, सब यही देखने को मिले। बीजेपी ने प्रबुद्ध सम्मेलनों की शुरुआत भी यहीं से की, बसपा भी पीछे नहीं रही, ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत भी अयोध्या धाम से ही की। तो अयोध्या को लॉन्चिंग पैड समाजवादी पार्टी ने भी बनाया और ओवैसी ने भी चुनावी शंखनाद अयोध्या धाम से ही किया। आम आदमी पार्टी ने भी अयोध्या से तिरंगा यात्रा निकाली। तो रामनगरी अयोध्या हर तरह से सेंटर पॉइंट रही है और यही एक बड़ी वजह है कि पांचवें चरण में सबसे ज्यादा फोकस अयोध्या नगरी पर हो रहा है, अयोध्या धाम पर हो रहा है। क्योंकि ये सोचा जा रहा है और ये सवाल बार बार आ रहा है कि क्या महंगाई, विकास, इन सब मुद्दों को छोड़कर, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों को छोड़कर क्या धर्म के आधार पर, राष्ट्रवाद के आधार पर, प्रभु श्री राम के नाम पर क्या जनता वोट करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं राजनीति की और राजनीति से जब जुड़ता है प्रभु श्री राम का नाम, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में राम बसे हुए हैं। 84 में लोकसभा चुनावों में 2 सीटें अपने नाम की, राम मंदिर के लिए रथ यात्रा भी निकाली, 85 सीट, 89 में लोकसभा चुनाव में 85 सीट जीती, प्रभु श्री राम के नाम पर ही जीती, बार बार ये देखने को मिला है। राम मंदिर के लिए रथ यात्रा भी भारतीय जनता पार्टी ने निकाली, बार बार प्रभु श्री राम का नाम लिया गया और उसके जरिए सत्ता का रास्ता तय किया गया बीजेपी की तरफ से। करोड़ों हिंदू एकजुट हुए रथ यात्रा से और वो हिंदू जो एकजुट हुए वो आगे जाकर वोट बैंक में भी तब्दील हुए। 36 साल में 218 गुना बीजेपी बढ़ी है और एक्सपेंड हुई है। 2019 की बात करें तो 303 लोकसभा चुनाव में सीट जीतने में कामयाब हुई थी भारतीय जनता पार्टी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी जारी है, राम मंदिर भव्य हो रहा है, दिव्य बन रहा है और इसी राम मंदिर पर हर किसी का फोकस है। लेकिन 2017 में राम मंदिर के नाम के सहारे बीजेपी सत्ता में आ तो गई, अब जनता की जो इच्छा थी वो देखिए पूरी हो भी रही है, राम मंदिर का निर्माण हो भी रहा है। लेकिन क्या ये मुद्दा अभी भी जनता के मन में रहेगा कि राम मंदिर बनवा रहे हैं तो हम इन्हीं को वोट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी।